एक के बाद एक नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और कुछ छोड़ने के संकेत दे चुके हैं। कहां तो चिंतन शिविर में कांग्रेस के हालात सुधारने पर विचार विमर्श किया गया था, लेकिन यहां तो हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाराज मंत्रियों और कार्यकर्ताओं की अब कांग्रेस में लाइन लग चुकी है। इस हिसाब से देखा जाए तो 2023 में आते आते कांग्रेस पूरी तरह से खाली हो जाएगी और इनके किए हुए सारे दावे धरे के धरे रह जाएंगे। हार्दिक पटेल, कपिल सिब्बल, गणेश घोगरा के बाद अब एक और मंत्री ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। कौन है वो मंत्री और क्या है वजह इस्तीफा देने की, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आप देख पाएं समय पर। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। लगता है राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब मंत्री ही अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं। इसी सिलसिले में राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना ने सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय के आला अधिकारी के प्रति नाराजगी जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मंत्री पद से मुक्त करने तक का आग्रह कर दिया है। चांदना ने मुख्यमंत्री गहलोत को संबोधित करते हुए ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि मुझे इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त करके मेरे सभी विभागों का चार्ज कुलदीप राका जी को दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वो ही सभी विभागों के मंत्री हैं। आपको बता दें कि कुलदीप राका मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं। मंत्री चांदना का ये ट्वीट उस समय सामने आया जब सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा ने इस्तीफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजा। विधायक ने डूंगरपुर जिले में उन पर हंगामा करने का मुकदमा दर्ज होने के बाद ये कदम उठाया था। खेल मंत्री अशोक चांदना के ट्वीट के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने ट्विटर पर जवाब देते हुए लिखा कि ये जहाज डूब रहा है, 2023 के रुझान आने शुरू। पूनिया ने पीटीआई भाषा से कहा कि यह अशोक गहलोत सरकार के शासन और पार्टी आलाकमान की कमजोरी का एक उदाहरण है। ये सरकार पर नौकरशाही के असर को भी दिखाता है। आपको बता दें कि प्रदेश से राज्यसभा के 4 सीटों के लिए अगले महीने चुनाव होने जा रहे हैं और इससे पहले कांग्रेस एकजुट दिखने की जो कोशिश कर रही है वो बिल्कुल नाकाम होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि कांग्रेस एक है और एकजुट है, राज्यसभा की 4 में से 3 सीट तो पक्का जीतेगी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कांग्रेस एकजुट होने का जो दिखावा कर रही है, लेकिन शायद वो ये नहीं जानती कि ये डिजिटल मीडिया का जमाना है और पल पल की खबर अब जनता रखती है और कांग्रेस के लिए जो किए हुए जो दावे हैं उनका खोखलापन साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर इसी नक्शे कदम पर कांग्रेस चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। आपका क्या कहना है हमारे इस विश्लेषण पर, अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसे ही और रिपोर्ट्स और अपडेट्स के लिए देखना ना भूले राजस्थान संवाद। नमस्कार। क्या आप ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि बल्क में माल खरीदने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो अब आपको कंटेनर इम्पोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही ये टेंशन लेने की जरूरत है कि वेबसाइट कैसे बनेगी, रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे वगैरह वगैरह। जरूरत है तो सिर्फ एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और GST नंबर की। ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब होगा। ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बिना देर किए तुरंत कॉन्टेक्ट करिए हमारे ई कॉमर्स कंसल्टेंट से।